गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 गणित ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले ही हमने एक्सरसाइज 2.3 को पूरा कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.4 पर चल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है। तो इसमें मैं ए को करूंगा, आप कक्षा 9 गणित लेक्चर 8 पेज 16 है। तो क्वेश्चन नंबर है, तो इसका वैसे आप स्वयं कर, इसमें एक्स प्लस वन एक गुणखंड है, तो क्या करना है आपको, x प्लस वन बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस वन हो जाएगा। तो सभी जो खंड दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, चारों में x बराबर माइनस एक रख के देखेंगे, यदि बहुपद का मान शून्य होता है तो वो गुणनखंड है, यदि शून्य नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर इसका खंड 4 कर रहा हूँ और बाकी को अपने आप कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का है या फोर्थ एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर है एक्स क्यूब क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। ये और ये मान लीजिए पी एक्स बराबर कर दिया मैंने, ये यदि एक्स प्लस वन उक्त बहुपद का एक गुणनखंड है तो एक्स प्लस वन बराबर 0 टेंस टू एक्स बराबर माइनस एक रखने पर तो पी माइनस वन बराबर हो जाएगा माइनस वन की घात 3 माइनस माइनस वन की घात 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस वन प्लस रूट 2 और ये बराबर हो जाएगा माइनस एक, माइनस एक की घात 3 करते हैं तो माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक माइनस वन का करते हैं तो माइनस माइनस एक माइनस और ये माइनस एक का गुणा इसे करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2
प्लस अंडर रूट दो। और बराबर हो जाएगा ये माइनस टू प्लस दो प्लस अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो, बराबर हो जाएगा दो दो कट गए टू अंडर रूट टू। इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू जीरो, अतः एक्स प्लस वन दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यदि x, यदि यहाँ पर ये पी x का मान माइनस एक रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता तो ये गुणनखंड होता, और शून्य नहीं होता तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। अब हम चल रहे हैं अगला प्रश्न देखेंगे। हम अगला प्रश्न है हमारा, तो बाकी सभी को आप करके देख लेंगी जिनमें x का मान माइनस एक रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो गुणनखंड होगा, जिसमें नहीं होता है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, आप देख रहे होंगे किताब मेरे हाथ में है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो वही सेम तरीका है जो पहले किया है प्रश्न नंबर एक में, यहां पर भी करना है। इसका मैं कर दूं इसका दूसरे वाला करता हूं, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड एक्सरसाइज 2.4। यह है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तथा जी एक्स बराबर है एक्स प्लस टू, यदि जी एक्स पी एक्स का है तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो टाइम्स टू एक्स बराबर माइनस दो। रखने पर पी माइनस दो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस दो की घात तीन प्लस तीन माइनस दो की घात दो प्लस तीन माइनस दो प्लस एक, और ये बराबर हो जाएगा माइनस दो का दो दूनी चार दूनी आठ माइनस आठ, और माइनस दो का दो दूनी चार हो जाएगा, चार तीन बारह है प्लस बारह है, और माइनस छः प्लस एक। और यहाँ देख रहे हैं माइनस के कितने हो गए, छः और आठ चौदह, माइनस चौदह प्लस 13, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक इज नॉट इक्वल टू जीरो। अतः यहाँ जी एक्स पी एक्स का एक
गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न होगा आपका, यह अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे इसकी। ये के का मान, ये पढ़ देख रहे होंगे आप, के का मान ज्ञात कीजिए जब के निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें मैं करूँगा थर्ड को, क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड है, ये एक्सरसाइज है। टू पॉइंट फोर ये है, पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। यदि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणन खंड है तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये टेंड हो जाएगा एक्स बराबर एक, तो पी एक इज इक्वल टू जीरो, या करके के इंटू एक का वर्ग माइनस अंडर रूट दो इंटू एक प्लस एक बराबर जीरो, और या करके के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन बराबर जीरो, और या करके हो गया आपका के बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब मैं आपका एक एक खंड कर रहा हूँ, बाकी खंड आपकी अभ्यास के लिए छोड़ रहा हूँ, और आप इनको घर पर अपना अभ्यास करें। यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो उसके लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में है अगला प्रश्न है आपका, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें इसके भी चार भाग दे रखे हैं, तो इसमें से मैं चौथा वाला करूँगा थ्री एक्स स्क्वायर, या दो कर देता हूँ, पहला और चौथा। यह है बारह, पहला है बारह एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस वन, चौथे वाला है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो पेज हो गया ये आपका 17। आप क्वेश्चन नंबर है आपका चार का फर्स्ट, एक्सरसाइज है 2.4। यह है 12x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर।
तो ऐसी संख्याओं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम एक्स स्क्वायर का मल्टीपल देखते हैं 12, एक्स स्क्वायर का गुणक जो है 12 है, और अचर राशि जो बाद में है ये हमको तुलना करते हैं ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी। तो यहाँ पर एक्स का इससे तुलना कर रहे होते हैं, इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 12 है और यहाँ पर एक्स का मल्टीपल कितना है -7 है और सी के स्थान पर क्या 1 है। तो हम देखते हैं 1 और 12 का गुणा करते हैं, 1 और 12 गुणा 12 एकम 12 होता है। अब यहाँ पर 1 और 12, 1 भी प्लस का है 12 भी प्लस का है, 1 और 12 का गुणनफल क्या होता है +12। यदि एक्स स्क्वायर और अचर राशि का गुणनफल प्लस का होता है तो उसके ऐसे खंड कंधे होते हैं जिनका गुणनफल तो 12 रहे तथा योग जो है वो मध्य वाली पद के बराबर हो जाए, 7 के बराबर हो जाए। तो इसको कर सकते हैं हम 12 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कर देंगे 3 प्लस 4 एक्स प्लस 1। क्यों, 3 चौके 12, 3 चौके होते हैं 12 और 3 और 4 का योग क्या होता है 7। तो ऐसे अब यहाँ पर ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर खोलेंगे इसको -3 एक्स -4 एक्स प्लस 1। आप देख रहे हैं -3 एक्स और -4 एक्स कितना होता है -7 एक्स ही होता है। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 एक्स कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या बच गया 3 का 12 में भाग गया 4 बार तो 4 एक्स -1। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हमको कॉमन इस प्रकार का लेना चाहिए कि यहाँ पर जैसे 4x-1 है यहाँ पर भी हमारे 4x-1 ही हो, तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन ले लिया तो माइनस का इसमें भाग देने क्या जाएगा 4x बार, और -1 का 1 में भाग जाएगा -1 बार। अब यहाँ पर 4x-1 दो जगह आ गया तो 4x-1 कॉमन ले लेंगे और दूसरा हो जाएगा हमारा कितना 3x-1, और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का ही है और ये करने जा रहा था मैं, कौन सा 4th एक्सरसाइज 2.4। ये है आपका कितना है 3x² माइनस x-4 बराबर। अब यहाँ देख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 4 है और बिना एक्स वाली संख्या है जो कितनी है वो -4 है, 3 का और -4 का गुणनफल होता है -12 है, 3 और -4 का गुणनफल होता है -12 है। अब यदि गुणनफल माइनस का होता है तो हमको ऐसा करना है, उनकी ऐसी खंड करनी है जिनका गुणनफल तो 12 हो पर यहाँ पर अंतर क्या हो जाए, एक्स के आगे क्या है कुछ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 मानते हैं या 1 कर सकते हैं हम, तो अंतर कितना हो जाए 1 हो जाए। तो क्या है 4 3 बार है, यहाँ करेंगे 3x² माइनस क्या कर देंगे 4 -3 x-4 और बराबर हो जाएगा 3x² खोलेंगे इसको -4x प्लस 3x-4। आप देखो इसमें से इसमें से अलग अलग कॉमन लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x-4, और यहाँ से प्लस क्या 3x-4 लेने करने के लिए यहाँ कॉमन क्या लेंगे प्लस का 1 ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 3x-4 और ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर दोनों पर 3x-4 है तो 3x-4 एक में एक कोष्ठक में आ गया दूसरे में आ गया x+1 और यही आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसमें है अब इसका मैं एक तो करता हूं पहला ही करता हूं और उसके बाद में आगे देखेंगे, तो पहला करूंगा और ये तीसरा कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, यहां पर है यह पहला प्रश्न है x³ -2x²
माइनस एक्स प्लस दो। अब तो यहां पे हम देख रहे हैं, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। हाँ ये भी ऐसा हो जाएगा, ये इनमें से एक्स माइनस दो बचेगा यहाँ पर, इनमें से और इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बराबर कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा एक्स माइनस दो इसमें से। अब एक्स हमको कॉमन कॉमन ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में एक्स माइनस दो ही बचे, तो यहाँ पर माइनस एक्स है प्लस दो है, तो माइनस एक कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ये हो गया प्लस का और माइनस दो। माइनस एक का भाग माइनस एक्स में देंगे क्या बढ़ जाएगा, एक्स बढ़ जाएगा, और माइनस एक का भाग दो में देंगे तो माइनस दो बढ़ जाएगा। अब एक्स माइनस दो दो जगह है, यहीं कर दूँ उसको मैं, बराबर क्या हो जाएगा तो एक्स माइनस दो कॉमन ले लिया, ये बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब हम जानते हैं दो वर्ग संख्याएं, इसको भी हम एक है, एक को एक का वर्ग रख सकते हैं, दो संख्याएं वर्ग के रूप में होती है और बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो उनको एक बार जोड़ना करके और एक बार घटा करके लिख सकते हैं, बराबर एक्स प्लस एक्स सॉरी एक्स माइनस दो एक कोष्टक में और दूसरे में एक्स प्लस वन और दूसरे में एक्स माइनस वन, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड को देखता हूँ, थर्ड और है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है, थर्ड है एक्सरसाइज है 2.4, ये है एक्स क्यूब प्लस 13 है एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। 13 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। अब यहाँ पर तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि एक्स क्यूब और 3 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो क्या बचेगा एक्स प्लस 13, और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं बन रही है जो एक्स प्लस 13 बनती हो, अर्थात इसके साधारण गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, इसको हम शेषफल प्रमेय से ही गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो अचर पद केवल अचर पद है वो क्या है 20 है, तो 20 की खंड करते हैं हम कितना, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये होगा 1 दूनी 2 दूनी 4 5 20, ये खंड ये होते हैं। तो x का मान हम रखेंगे, तो x के मान जो हैं हम ये जानते हैं, यहाँ पर सब राशियां प्लस की हैं, तो x का मान प्लस का रखने पर गुणनखंड का मान शून्य नहीं हो सकता, तो मान जो होगा x का मान निश्चित रूप से क्या होगा ऋणात्मक होगा। यदि सभी पद प्लस के ही तो x का मान निश्चित रूप से क्या होगा ऋणात्मक होगा, यदि सभी माइनस के हैं तब भी x का मान क्या होगा, कुछ प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं तो x का मान ऋण का भी हो सकता है और धन का भी हो सकता है। यहाँ पर तो x का मान या तो होना चाहिए माइनस एक या माइनस दो या माइनस पाँच, पहले हम छोटे पद से ले रहे हैं x का मान माइनस एक करके देखते हैं यहाँ पर, तो x यहाँ पर रफली करेंगे आप, यहाँ यहाँ पर x का मान माइनस एक करेंगे तो माइनस एक की घात 3 प्लस 13 माइनस एक की घात 2 प्लस 32 माइनस एक और प्लस 20। अब देखते हैं इसको हम यहाँ पर, तो माइनस एक और यहाँ पर प्लस 13 हो गया और माइनस 32 प्लस 20, तो देखते हैं 20 और 13 33 और 32 और 1 33, ये हो गया। तो यहाँ पी एक्स बराबर दे रखा है ये, तो पी माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक की घात 3 प्लस 13 माइनस एक की घात 2 प्लस 32 माइनस एक प्लस 20 बराबर माइनस एक प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20 और बराबर हो गया माइनस 33 प्लस 33 और ये बराबर हो गया आपका 0। अतः एक्स बराबर माइनस एक टेंड्स टू एक्स प्लस वन
जीरो, अर्थात एक्स प्लस वन दिए गए बहुपद का एक गुणन खंड है। इसके लिए आप क्या करेंगी, एक्स प्लस वन का इसमें भाग दे देंगी। वैसे दूसरा दूसरी विधि भी बताऊंगा आपको बाद में। मैं एक्स प्लस वन कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में भाग देंगे इसमें, तो कई बार भाग जाएगा। यहाँ एक्स है, एक्स में किसका गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए, तो 1x² का, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1x² माइनस माइनस, ये कट गया, क्या रह गया, प्लस का 13x² माइनस का 1x², 12x². अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या बचेगा, 32x प्लस 20 उठा लिया ये। अब हम देख रहे हैं कि x में किसका गुणा करें कि 12x² हो जाए, तो क्या करेंगे, प्लस 12x का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12x² प्लस 1 से करेंगे तो 12 का x का गुणा, तो 12x माइनस, ये माइनस ये कट गया, माइनस कितना हो गया, प्लस का होगा, प्लस का 20x प्लस 20। अब यहाँ पर किस एक्स में किसका गुणा करें कि प्लस 20x हो जाए, प्लस 20 का ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 20x प्लस 20, यहाँ माइनस माइनस ये कट गया, तो शेष पर क्या हुआ, कुछ नहीं। अतः ये अब पुनः हम 20 के कोई ऐसे खंड करें जिनका 20 हो रहा है यहां पर, जिनका योग 12 हो जाए, तो 10 दूनी 20, तो यहां कर देंगे इसको, इसलिए एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 और बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक कोष्टक में, दूसरे में क्या हो जाएगा, x² प्लस 12x प्लस 20। अब पुनः एक्स प्लस वन तो एक में रह गया, इसकी दोबारा से खंड हो जाएंगी, 20 है तो 10 10 दूनी 20, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक मानेंगे x² के आगे, 1 गुणा 20 बराबर 20 होगा, और 20 किसका होगा, प्लस का, तो 20 के ऐसे खंड करने हैं जिनका योग क्या हो जाए, 12 हो जाए, गुणन पर 20 हो जाए, तो 10 दूनी 20, तो क्या करेंगे इसको, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 और बराबर x प्लस 1 यहाँ आ गया, ये बड़ा कोष्टक है, इस इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, इनमें एक कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लिया कॉमन हमने x, तो क्या बचेगा, x प्लस 10, इसमें से एक कॉमन ले लिया 2, तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बंद कर दिया, बराबर करके x प्लस 1 यहाँ पर रह गया आपका, इसमें से पुनः हमने क्या कॉमन ले लिया, x प्लस 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 2, अब इसकी गुणनखंड हो गई x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2, और ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा, और आपका काम यहीं तक समाप्त होता है। अगली काम के लिए, अगली क्लास के लिए हम आपसे बाद में संपर्क करेंगे। धन्यवाद।